देश में एक ओर जहां क्रेडिट कार्ड की संख्या और उसका इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है, तो दूसरी ओर क्रेडिट कार्ड फ्रॉड के मामले भी बढ़ रहे हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्रेडिट कार्ड के जरिए किस तरह से फ्रॉड हो सकता है और किन उपायों को अपनाकर आप इस तरह के फ्रॉड से खुद को बचा सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं क्रेडिट कार्ड के जरिए फ्रॉड किन तरीकों से किया जा सकता है। तो बता दें कि कार्ड स्किमिंग, फिशिंग, डेटा ब्रीच और सोशल इंजीनियरिंग जैसे तरीकों से इस तरह की फ्रॉड को अंजाम दिया जाता है। जहां कार्ड स्किमिंग में चोर कार्ड रीडर या POS मशीन में छोटे डिवाइस लगाकर कार्ड की डिटेल्स चुरा लेते हैं। फिशिंग में स्कैमर ईमेल या फ़ोन के जरिए क्रेडिट कार्ड डिटेल्स अपडेट करने के लिए कहते हैं। ये भी कहते हैं कि क्रेडिट अकाउंट की सिक्योरिटी खतरे में है और सिक्योरिटी चेक के लिए कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे। डेटा ब्रीच फ्रॉड क्या है तो ये भी समझते हैं। ये आप कुछ महीने पहले हुए एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड के मामले को लेकर समझ सकते हैं। तब एक साथ बहुत सारे क्रेडिट कार्ड का डेटा चोरी हुआ था। बहुत सारे यूजर्स ने शिकायत की थी कि उनके कार्ड से अनऑथोराइज्ड इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन किए गए हैं। इस तरह से डेटा ब्रीच होता है। सोशल इंजीनियरिंग फ्रॉड में साइबर हैकर लोगों को गुमराह करते हैं। किसी नामी संस्थान या कंपनी से होने की बात कहकर लोगों से उनके क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स ले लेते हैं। इस तरह के फ्रॉड में लोगों को किसी लॉटरी, किसी इनाम या कोई रिवॉर्ड देने के नाम पर मेल या मैसेज किया जाता है। लिंक पर क्लिक करने के लिए कहा जाता है। इसके बाद मैलवेयर अटैक के जरिए डिवाइस से क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स जैसी ज़रूरी वित्तीय जानकारी चुरा लेते हैं और फिर ठगी करते हैं। इस तरह के क्रेडिट कार्ड फ्रॉड से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, चलिए ये भी समझते हैं। पहला, अपने क्रेडिट कार्ड अकाउंट को मॉनिटर करते रहें। समय समय पर क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट रिव्यू करें ताकि कोई अनऑथोराइज्ड ट्रांजैक्शन हुआ हो या कोई संदिग्ध गतिविधि हो उसका पता चल जाए। दूसरा, कार्ड के लिए अलर्ट चालू कर लें। इससे जब भी कोई ट्रांजैक्शन होगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अगर आपने ट्रांजैक्शन नहीं किया तो तुरंत एक्शन ले सकते हैं। तीसरा, स्ट्रॉन्ग और यूनिक पासवर्ड का इस्तेमाल करें। अपने ऑनलाइन बैंकिंग या ई कॉमर्स ऐप के अकाउंट के लिए मजबूत पासवर्ड डालें। पासवर्ड में लेटर, नंबर और स्पेशल कैरेक्टर्स ज़रूर शामिल करें। पासवर्ड ऐसा हो जो कोई आसानी से गेस ना कर पाए। चौथा, टू फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन इनेबल करें। इससे ऑनलाइन अकाउंट्स की सिक्योरिटी और मजबूत हो जाएगी। कोई आसानी से आपके अकाउंट हैक नहीं कर पाएगा। पाँचवा, फिशिंग स्कैम को लेकर सतर्क रहें। आपके क्रेडिट कार्ड की जानकारी मांगने वाले किसी भी अनजान मैसेज, ईमेल, किसी लिंक पर क्लिक ना करें। किसी साइट से कोई अटैचमेंट डाउनलोड ना करें। छठा, हमेशा सिक्योर साइट से ही शॉपिंग करें। सिक्योर ब्राउजिंग के लिए ध्यान रखें कि साइट के URL में HTTPS में शामिल हो और एड्रेस बार में पैडलॉक सिंबल मौजूद हो। साइट के नाम के साथ पैडलॉक आइकन का मतलब होता है साइट को डिजिटल सर्टिफिकेट मिला हुआ है और वो सिक्योर है। सातवां, वर्चुअल क्रेडिट कार्ड नंबर का इस्तेमाल करें। कुछ बैंक ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए वर्चुअल क्रेडिट कार्ड नंबर देते हैं। ये टेम्परेरी नंबर होते हैं जो आपके एक्चुअल क्रेडिट कार्ड अकाउंट से लिंक नहीं हो सकते। अपने डिवाइस को सिक्योर रखें। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करें। अपने ऑपरेटिंग सिस्टम और ऐप्स को अपडेट करते रहें और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते समय अनसिक्योर्ड पब्लिक वाईफाई का इस्तेमाल करने से बचें। इस तरह आप अपने क्रेडिट कार्ड को सिक्योर कर सकते हैं और किसी भी धोखाधड़ी का शिकार होने से आप बच जाएंगे।